नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। चारों तरफ पूरा भारत जल रहा है, बसें फूकी जा रही है, रेलवे को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ट्रेन के कोचों को आग लगा दिया गया, इंजन को आग लगा दिया गया, थाने में तोड़फोड़, और चारों तरफ देश के युवा पागलों की तरफ सड़क पे भटक रहे हैं नौकरी के लिए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, कोई नहीं सोच रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये कोई नहीं सोच रहा है। किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है और किसने ये गलती किया जिसके कारण युवाओं को रोड पे आना पड़ा, ये सोचने वाली बात है। और आप सबका ध्यान वही जाता होगा कि मोदी साहब ने ऐसा कर दिया। तो मोदी साहब ने ऐसा कर दिया, उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं। जो आंकड़े देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि खेल क्या चल रहा है देश में। देश को लूटा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, हम सबको देशभक्ति की सबक सिखाया जा रहा है, हम लोगों को कहा जा रहा है कि राष्ट्रभक्त है, तो हम तो राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन देश में लुटेरे बहुत हैं। पिछले 7 सालों में 8,81,000 लोग देश छोड़ के जा चुके हैं, सुपर रिच 8,81,000 लोग देश से बाहर जा चुके हैं। सुपर रिच की बात कर रहा हूं, इसमें नौकरी करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जिनको अच्छी नौकरी मिल गई तो विदेश चले जाते हैं, उनकी बात छोड़ दो। जो परमानेंट भारत छोड़ के जा चुके हैं 8,81,000 लोग हैं, उनको सुपर रिच का नाम दिया गया, समझ लीजिए। और अब तक 1,83,00,000 लोग विदेशों में पहले से रह रहे हैं और इस एक साल में 8,000 और जाने वाले हैं जो सुपर रिच के नाम से जाने जाते हैं। कौन है सुपर रिच और कहां से आया और किस राज्य से इसमें से ज्यादा होगा आप देख लेना। बिहार के लोग होंगे, यूपी के लोग होंगे, दिल्ली के होंगे, कहां के लोग होंगे ये सुपर रिच जो देश छोड़ के जा रहा है। और ये सुपर रिच बना कैसे, कोई सुपर रिच बन जाएगा कैसे बन जाएगा, हमारे देश में रहकर सुपर रिच बन गया और देश छोड़ के जा रहा है, तो क्या देश के प्रति लॉयल था वो, भारत के प्रति उसकी श्रद्धा थी, जब जिसने पहले से प्लान किया हुआ रहा कि हमें यहां लूट के देश छोड़ के भागना है, वो हम लोगों के लिए क्या हाल किया होगा, हमारा किस तरह से लूटा होगा, देश को कैसे छिन्न भिन्न किया होगा, आप सोच सकते हैं। और यही चल रहा है, देश के युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, भटक रहे हैं, और उनको अग्निवीर बनाने वाला कानून कौन लेके आया, किसने लाया ये कानून, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता में कौन बैठे हुए हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड, रिटायरमेंट के बाद मंत्री बने बैठे हैं, हरदीप पुरी, एस जयशंकर, अजीत डोवाल NSA। अब जब लिस्ट उठा के देखिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अश्विनी बैस रेलवे मिनिस्टर, जब IAS की नौकरी पूरी हो गई, सब कुछ हो गई, तो रिटायर्ड ऑफिसर को वहां बैठा दिया, जिसके बाल बच्चा, अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनके सारे बाल बच्चे बाहर में होंगे, इंडिया में होंगे ही नहीं, ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। हरदीप पुरी का ऑलरेडी बाहर में है, कुछ इंडिया में होंगे और बाकी बाहर में, उनकी संपत्ति भी बाहर में है। और ऐसे ऐसे लोग हैं, तो क्या वो देश के प्रति वफादारी करेंगे, देश के प्रति करेंगे, देश के युवाओं का ख्याल रखेंगे, उनका पेट भरा हुआ है, और ऐसे लोग कानून बना रहे हैं। रिटायर्ड बुड्ढे लोग बैठे हुए हैं, ओल्ड मैन जो मंत्री में बैठे, मंत्रिमंडल का पद लिए बैठे हुए हैं, उनको युवाओं से क्या लेना देना है, तो कुछ भी कानून लेके आ रहे हैं और किसके लिए ला रहे हैं। भारत बहुत सेंसिटिव देश है, आपको पता ही है, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान, दोनों देश के साथ लड़ाई हो चुकी है, और बांग्लादेश भी इतना शरीफ नहीं है, और श्रीलंका भी, LTTE वालों ने हमारे राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, मार दिया था बम ब्लास्ट करके, तो कोई शरीफ नहीं है, और मालदीव के साथ भी हमारा रिलेशन खराब होते रहता है, तो हम खतरों से घिरे हुए हैं और हमारी सेना को कमजोर किया जा रहा है, अग्निवीर बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे भाई, 4 साल की नौकरी देंगे या तो क्या ट्रेनिंग देंगे, 3 दिन में ट्रेनिंग हो जाती है क्या, 3-4 साल तो ट्रेनिंग में बिक जाएगा, उसके बाद ट्रेंड करके आप रोड पे छोड़ देंगे खुला छुट्टा छुट्टा शहर की तरफ। आज वे लड़के जो पत्थर फेंक रहे हैं, बाद में वो बम फेंकेंगे, बंदूक फेंकेंगे, थाना लूटेंगे, आपका पूरा का जिला कारागार लूटेंगे, उनको नौकरी थी भी नहीं मिलेगी, आपके पास नौकरी है नहीं, सारे सरकारी संस्थान को आप प्राइवेट कर दिए, तो नौकरी आप दिलवाएंगे कहां से, किस चीज में देंगे नौकरी आप। आप कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास मौका मिलेगा, 4 साल की नौकरी करके तो नौकरी करेगा, कहां करेगा नौकरी, उनको खुद से ही ढूंढना है, तो अग्निवीर क्यों ज्वाइन करेगा, वो पहले ही कहीं और ज्वाइन करेगा ना, आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा,
ये सोचने वाली बात है। छात्र का नाराजगी यही है, उनका कहना यही है कि हम 4 साल के लिए जाएंगे और सेना में हम ट्रेनिंग करके अब गोली भी खा सकते हैं, उसमें जो ड्यूटी लगेगी तो मर भी सकते हैं, तो जज्बात तो रहा नहीं, देशभक्ति की भावना नहीं रही, हम सेना में जाकर क्या करेंगे, हम 4 साल में देश के लिए क्या सेवा कर लेंगे, इससे अच्छा कहीं और काम करेंगे, यही तो कह रहे हैं। लेकिन कानून बनाने वाले लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बैठे हुए हैं केंद्र में, जो मंत्री हैं, जो ओल्ड एज हो चुके हैं, वो कानून बना रहे हैं, नौकरी किसको नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को। क्यों नहीं दे रहे हैं कि देश में सुपर रिच बैठे हुए हैं, देश पे शासन कौन कर रहा है, ये सुपर रिच जो देश को लूट के जा रहा है। आप सोचो 8 साल में 1 साल में 8,000 लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं सुपर रिच बनने के बाद, उसमें से मैक्सिमम भागने वाले लोग कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, आप समझ लो, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, लिस्ट उठा के देख लीजिए, ऋषि अग्रवाल कहाँ से क्या है, जितने भी घोटाले किए, और अडानी साहब का भी एनपीए माफ किया गया, अडानी साहब कर्ज में डूबे हुए हैं, अभी अकाउंट में पैसे नहीं है, लोन लिए जा रहे हैं, हमारे ही बैंक के पैसे से लोन लेके कंपनी खड़ी किया जा रहा है, अगर हम पूरा लोन के पैसे निकाल ले तो अडानी साहब रोड पे आ जाएंगे, तो वो इनकी क्या गारंटी है कि वो रहेंगे देश में। तो ये सुपर रिच देश को लूटा जा रहा है, हम सबको, लोगों को बेरोजगार करके, बच्चों को बेरोजगार रख के देश को लूटा जा रहा है, देश को अनपढ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि लूटना है, अभी पूरी तरह से लूटा नहीं है, और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर सेटल हैं, और उनको देश से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा ये आकर तो यही कह रहे हैं कि इनको देश से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है। प्रधानमंत्री कैमरा जी भी है, क्या आदमी है, अपने घर में माँ से मिलने के लिए गया, और एक प्रधानमंत्री माँ से मिलने के लिए जाते हैं, जब तक गाड़ी में बैठे रहते हैं जब तक कि कैमरा वाला अंदर नहीं चला जाता। ये देखिए कैमरा वाला कैसे भाग के जा रहा है, पहले एक गया, उसके बाद दूसरा, थोड़ा लेट हुआ उसको सिक्योरिटी चेक में, तब तक वो गाड़ी से नहीं उतरे, ये देखते रहिए, और ये दूसरा भागता हुआ जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री निकल के वहां जा रहे हैं, और एक एक चीज की शूटिंग हो रही है। अरे माँ से मिलने के लिए कोई इतना दिन के बाद जाएगा तो भाग के दौड़ता हुआ अपने माँ के पास जाएगा, कैमरा का इंतजार नहीं करेगा, लेकिन कैमरा वाला को पहले भेजा जाता है। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री आप लोगों ने चुना है, कहते हुए बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, देश को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, रुइन किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, देश के युवाओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, संपत्ति हमारा है, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आग लगा रहे हैं तो किसकी संपत्ति में आग लगा रहे हैं, वो अपनी भी लगा रहे हैं, हमारी भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, मैं उनको क्या बोलूं कि मत लगाओ, यही कह सकता हूं, तो नौकरी मांगेगा, मैं नौकरी कहां से दूंगा, नौकरी तो सरकार को देना था जिसको वोट देकर उन्होंने जिताया था, लेकिन सरकार क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है देख रहे हैं, सुपर रिच को बाहर भगाया जा रहा है, देश लूट के लोग बाहर भाग रहे हैं, बिना बिना ज्ञान के, बिना कोई क्वालिफिकेशन के बड़े बड़े पोस्ट पे लोगों को बैठा दिया गया, कहीं भी रिटायर्ड लोगों को बैठा दिया गया, जिसके पास योग्यता नहीं है उसको ईपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, बीसीसीआई का चीफ बना दिया गया, आप देख ही सकते हैं, उदाहरण देखिए, और फिर सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। देश में अभी बहुत कुछ होने वाला है, देश पूरी तरह से विद्रोह की ओर बढ़ रहा है, देश में गृहयुद्ध भी होगा, ये सब दिखाई दे रहा है, देश सीरिया बन जाएगा, ये भारत खत्म होने वाला है, और अभी भी नहीं जागे, इस सरकार को अगर होश नहीं आया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।